उत्तर पूर्वी दिल्ली के सादरा जिले के थाना किशन नगर इलाके में एक घर में मां बेटी के संदिग्ध हालत में शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भेज दिया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस घटना के चलते लोग दहशत में हैं और पुलिस पर जल्द से जल्द मामले का खुलासा करने का दबाव भी बना रहे हैं। फिलहाल जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार मां बेटी की हत्या की गई या फिर उनकी मौत कैसे हुई, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज, दिल्ली। मैं इसी बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ। E17/2 बिल्डिंग है और जिसके अपर ग्राउंड पे माँ बेटी का पुलिस के मुताबिक मर्डर हुआ। तो सर, कैसे आपको जानकारी मिली, किसने पुलिस को जानकारी दी? पुलिस को हम तीनों ने ही जानकारी दी। ऊपर जो तीनों फ्लोरों पे रहते हैं, दो तीन दिन से हमारे यहाँ स्मेल आ रही थी। हमने सोचा कोई चूहा वगैरह मर गया हुआ या कोई वैसी बदबू होगी, पर आज शाम काफ़ी हुई तो फिर हम लोगों ने निर्णय लिया RW के साथ शाम को कि भाई पुलिस को बुलाया जाए। हमने अच्छा, कितनी एज होगी इन दोनों की? वो तो जो ओल्ड लेडी हैं वो तो सीनियर सिटीजन है, उनकी बेटी है कोई 30-31 साल की होगी। क्या काम करते हैं, क्या जॉब करते हैं? कौन जो ऊपर रहते हैं? अच्छा, जिनका मर्डर हुआ जी, वो तो ओल्ड लेडी तो रिटायर्ड है ऑल इंडिया से, जो हमें जितनी जानकारी है, और जो बेटी है वो डिस्टर्ब है। हमें एक लगभग 8 बजे कॉल मिली थी कि एक फर्स्ट फ्लोर में ई ब्लॉक से एक बदबू आ रही है। तो हम जब कॉल पे पहुंचे तो यहाँ पे देखा गया दो लोगों की बॉडी मिली थी यहाँ पे, और इसमें जो जो मरने वाले हैं उनका नाम राज रानी और गिन्नी करार है। इनकी उम्र 64 साल और लगभग 30 साल है। और इसमें जो हमें प्राइमरी फेसिलिटी जो पता चला, इसमें जो एंट्री है इसमें डबल लॉक सिस्टम था, उसके थ्रू एंट्री की गई है। प्राइमरी फेसिलिटी में फ्रेंडली एंट्री लग रही है। हम हर तरीके से केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर, क्या क्या लूटपाट वगैरह का मामला है क्या? अभी इसमें हम सब एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्योंकि एंट्री फ्रेंडली थी, तो हम सभी तरीके से इसको केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। थैंक यू। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ECG, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, TB का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 9211342 9211478312 9110418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।